पूरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है कि वो लगातार सीज फायर तोड़ रहा है पुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से से पिछले तीन दिन लगातार फायरिंग की जा रही है इलाके के लोग दहशत में घरों से बाहर निकलने का मतलब है मौत ऐसे हालात में आई बी एन सेवन सरहद के आखिरी गांव में पहुंचा आई बी एन सेवन संवाददाता पवन शर्मा ने पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग और दहशत में जी रहे लोगों की तकलीफ कैमरे में कैद की आप देख सकते हैं अभी भी जहाँ पर फायरिंग चल रही है हैवी शेलिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है पूरा मेरा इस तरफ का जो इलाका है ये पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर हम इस समय एक गांव में चंदू चक में है जो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है और यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग जो है वो की जा रही है स्मॉल आर्म फायर के बाद वो हैवी शेलिंग शुरू कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी आवाज़ सुनाई दे रही है धमाके जहाँ पर हो रहे हैं लोगों के जो गांव हैं वहाँ पर घरों में आकर ये शैल गिर रहे हैं आज सुबह से जहाँ पर पाकिस्तान ने हैवी शेलिंग और फायरिंग जहाँ पर शुरू की थी दस लोग अभी तक जहाँ पर घायल हुए थे लेकिन इसके बाद अभी भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ पर ये मोटार शैल जो आकर गिर रहे हैं और लगातार पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग और फायरिंग इस पूरे इलाके में की जा रही है अधिकांश गाँव के लोग जो हैं वो अपना घर भर छोड़कर निकल चुके हैं लेकिन कुछ लोग गाँव में बचे हुए हैं लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार हैवी शेलिंग जो है वो अभी रात को भी और दिन को भी जहाँ पर चल रही थी और रात को भी अभी जारी है लेकिन इस पूरे इलाके में प्रशासन ने भी अलर्ट किया हुआ है एम्बुलेंस यहाँ पर अलर्ट करके रखी हुई है कि अगर कहीं कोई सूचना आती है कि कोई किसी गाँव में कोई घायल हुआ है तो उसे तुरंत यहाँ से रेस्क्यू किया जा सके हम यहाँ पर पूरी कैमरा की लाइट भी नहीं जला पा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल सामने जो इलाका है वो आई का है इंटरनेशनल बॉर्डर का मोबाइल की कैमरे से शूट कर रहे हैं लाइट इसलिए नहीं ज़्यादा जला रहे कि वहाँ से पूरा जो उनके ओ है वहीं पर फायर फेंक रहे हैं जहाँ पर जहां उनको लाइट दिखती है, लेकिन इस पूरे इलाके में ब्लैक है लाइट बंद कर दी गई है, और हम भी मजबूरी में आखिरी गांव है यहां लोग दहशत में उनकी रातें जाग कर फायरिंग में एक ग्रामीण घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है हमारे संवाददाता पवन शर्मा ने गांव के लोगों से बातचीत हम आरसपुरा सेक्टर के चंदूचक गांव में हैं यहां पर सुबह भी हैवी शैलिंग हुई थी फायरिंग लगातार चल रही थी यहां पर जो एक महिला जो घायल हुई है वो मेरे साथ जो बुजुर्ग महिला जहां पर है वो इनकी बहू थी उन्हें जम्मू मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया वहां पर उनका इलाज चल रहा है हैवी शेलिंग इस पूरे इलाके की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिविल इलाकों को टारगेट करके फायरिंग की जा रही है रात के दो बज चुके हैं हम एक घर के भीतर जहाँ पहुंचे हुए हैं आप देख सकते हैं लोग सब जो लोग हैं एक जगह दुब के बैठे हुए हैं आपस में एक डर है शेलिंग का किस तरह से जो पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है कहीं इनको टारगेट ना करें क्योंकि बहुत से लोग इंजर आज पूरे दिन की बात करें अभी तक जो है वो दस लोगों की जानकारी मिली है कि वो घायल हुए हैं कई मवेशी मारे गए हैं हम बात करेंगे इनके साथ बात करने की दिलजीत हमारे साथ है आप बताइए हमें कि क्या सुबह जब फायरिंग हुई तो उस समय क्या हुआ था और अभी कितना डर है अभी जब सुबह फायरिंग हुई थी तो बहुत ज्यादा गोले गिरे थे और बहुत से लोग घायल हुए हैं आपकी भी चाची जो थी उनको भी लगी है वो कैसे हुआ था कहाँ पर हुआ था वो बेगे से थोड़ी सी पीछे है वहाँ पे आके एक सड़क के साथ ही बम गिरा और उनके शेलिंग के थोड़े थोड़े से शरे होते हैं वो उसके नीचे टांग के नीचे लगे हुए हैं अभी फिर बाग के वो पास ही आर्मी के बंकर वगैरह उनके बीच में छुप गए उन्होंने फिर उन्हें थोड़ा सा पट्टी शट्टी की और वहीं से उन्हें आर्सपुर हॉस्पिटल में पहुँचाया वालों ने उन्हें जम्मू में शिफ्ट कर दिया वहीं पर ऑपरेशन हो रहा है उसका अभी भी फायरिंग की आवाज बाहर चल रही है हैवी अभी भी हो रही है इनसे हम बात करें क्या नाम है आपका सुखदीप सिंह सुखदीप अभी क्या हुआ पूरा दिन की जो और अभी क्यों दुबके हुए सब लोग घरों के अंदर क्यों घुसे हुए हैं पूरा दिन शेलिंग चलती रही और अभी भी चल रही है अभी भी इस टाइम भी चल रही है और इस टाइम भी खतरा लोगों को बोलो की शैलिंग के आस ना आगे गिरे और तो एक डर है कि अब अंदर दुबके हुए हैं सब लोग सुबह काफी लोग घायल हुए हैं यहाँ आपके हाँ सर बहुत डर है कि लोग छुपे हैं थोड़ा जो बॉर्डर से आगे गाँव उसमें छुपे हुए लोग जाके तो जानवर वगैरह भी लेके गए हुए सभी कुछ लेके पाकिस्तान की तरफ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के बाद अब प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है और बॉर्डर के आखिरी गाँव में एम्बुलेंस तैनात की गई जिससे लोगों को फौरन राहत दी जा सके पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग और फायरिंग आर्सपुरा सेक्टर में जारी है दिन में भी हैवी फायरिंग और हैवी शैलिंग की गई लेकिन इस समय रात का समय है इस समय भी हैवी शैलिंग यहाँ पर चल रही है गाँव के भीतर आकर मोटार शैल जो गिर रहे हैं गोलियाँ है जहाँ गाँव की यहाँ पर आके गिर रही हैं और इस समय हम एक गाँव के बीच हैं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस आप देख सकते हैं जहाँ पर अलर्ट में पूरा प्रशासन अलर्ट पर है कि अगर कोई इंजर होता है जहाँ पर या फिर कोई मोटार शैल आकर गाँव में गिरता है कोई घायल हो जाता है तो उनको शिफ्ट किया जाए इनसे हम बात करेंगे सर क्या नाम है आपका हमारा नाम जोगेश कुमार है किस तरह का अलर्ट है जहाँ पर आप लोग गाड़ी लेकर जहाँ बैठे हुए हैं हम हमारे पास फर्स्ट एड है जहाँ पर इंजेक्शन वोवीरान है जो भी हमारे पास आएगा उसको हम वोवीरान इंजेक्शन दे के फर्स्ट एड दे के मेडिकल कॉलेज चाहे में शिफ्ट कर देंगे तो पूरे इलाके में आप लोग जहाँ अपनी गाड़ी लेकर घूम रहे हैं गाँव में जहाँ पर शैली यहीं पे ही हैं हमारी और भी एम्बुलेंस हैं जैसे चक्रोई है सही है वहाँ पे हमारी एम्बुलेंस मौजूद है वहाँ पे हमारे स्टाफ वहाँ बैठा हुआ है जो भी कुछ ऐसा होगा उनको पूरी कार्रवाई करके कर मेडिकल कॉलेज यासपुरा पहुँचा देंगे तो बिल्कुल जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत सी एम्बुलेंस इस पूरे इलाके में घूम रही हैं अगर कहीं कोई ऐसी वारदात होती है जहाँ वहाँ पर कोई ऐसा शल आकर गिर जाता है गाँव में कोई घायल हो जाता है तो ये लोग उसको एवेक्एट करेंगे यहाँ से और जम्मू मेडिकल कॉलेज तक लेकर जाएंगे पवन शर्मा आर एसपुरा सेक्टर आई बी पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग की वजह से कई लोग फंसे हुए हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान की तरफ से लगातार हैवी शेलिंग और फायरिंग आरसपुरा सेक्टर में जारी है और इस समय चंदूचक के पास इन लोगों को रोका गया है जो घर जाना चाहते थे अपने जम्मू से आए हैं अपने घर जाना चाहते थे लेकिन बैरियर आगे आर्मी का लगा हुआ है और बिल्कुल यहां से डेढ़ किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और हैवी शेलिंग वहाँ से चल रही है क्या परेशानी हुई आप अपने घर जा रहे थे आज पूरा दिन यहाँ पर फायरिंग हुआ और अभी आप जहाँ रुके हुए हैं जी आगे अपना घर है अपने घर जाना था लेकिन आर्मी वाले नहीं जाने दे रहे पाकिस्तान जो है वो हैवी फायरिंग कर रहा है हैवी शेल लगा रहा है तो हम इसकी इंतजारी कहें कि कब फैर बंद हो तो हम अपने घर पर जाएँ परेशानी क्या है आप लोग बच्चों समेत सब लोग जहाँ गाँव आधे आधे से ज़्यादा घर खाली हुए हैं लेकिन फिर भी आप वापस जा रहे हैं मवेशियों के चक्कर में या फिर जहाँ पीछे बच्चे जो उनके लिए सर जो बच्चे हैं जहाँ अपनी माल मलेशी रखा हुआ है उसके लिए जा रहे हैं हमारी जान से ज़्यादा कीमती जो हमारे मवेशियाँ हैं तो उनके लिए भी जाना है हमें देखने जाके कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं शलिंग होगी या कहीं उनकी ना डेथ होगी वो तो ये एक परेशानी यहाँ पर लोगों को जरूर है क्योंकि जो लोग घरों से बाहर गए हुए हैं वापस आ, आ रहे हैं लगभग रात के समय तीन बज रहे हैं यहाँ पर अपने खेतों के जाना है उन्होंने मवेशी जो बंधे हुए हैं उनकी उनको चारा डालना है या फिर और घरों में जो मेंबर्स हैं उनकी उनको हाल चाल पूछने के लिए जाना है लेकिन यहाँ पर हैवी शेलिंग के चलते इनको बीच रास्ते में रोका गया है और इसी इंतजार में ये बैठे हैं कि कब शैलिंग बंद हो फायरिंग बंद हो और जब अपने घर पहुँच सकें पवन शर्मा आरसपुरा सेक्टर आई बी हालात के मद्देनजर बॉर्डर से सटे गांवों के लोग पलायन कर कैंपों में रुके हुए हैं आर एसपुरा में प्रशासन ने सरकारी स्कूल में कैंप बनाया हुआ है जहां लोगों को ठहराया गया है यहां लोगों के चेहरे पर दहशत साफ पढ़ी जा सकती है हम इसमें आरसपुरा शहर के बीच बने एक स्कूल में हैं सरकारी स्कूल के भीतर यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है जो सीमावर्ती इलाकों से लोग अपना घर वर छोड़कर जहाँ पर आए ऐसे बहुत से कैंप आरसपुरा और आसपास के इलाकों में जो माइनिंग रेंज से बाहर हैं वहाँ पर बनाए गए हैं लोग बच्चों के साथ महिलाओं के साथ अपना घर घर छोड़कर यहाँ पर ठहरे हुए हैं क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से हैवी शहरिंग फायरिंग की जा रही है खास करके सिविल इलाकों को टारगेट किया जा रहा है बहुत से मोटार शैल जो है वो लोगों के घरों पर आकर घेरे हैं आज कुल अभी तक जो है वो दस लोग गायब हो चुके हैं और एक दर्जन के करीब मवेशी मारे जा चुके हैं जो शैलिंग जो फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से लोगों के लिए परेशानी यही है कि इस समय फसल जो पकी हुई है धान की वहाँ उसको काटना भी बहुत मुश्किल हो रहा है और इसी समय पे उनको फायरिंग के चलते अपना घर भर छोड़कर यहाँ पर आके स्कूलों में रहना पड़ रहा है लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन चल रहा है और हैवी शेलिंग और हैवी फायरिंग जो है वो आर एस पुरा सेक्टर में लगातार चल रही है पवन शर्मा आर एस पुरा सेक्टर आई बी और अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हजार